अब हम जा रहे हैं वोट करने के लिए। गया, उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, उसने मेरे से मेरा एड्रेस पूछा। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको कहीं लेके जा रहे हैं और पूरी डिटेल जो है वो विवेक बताएगा कि कहाँ लेके जा रहे हैं। तो चलो, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम यहाँ पे एक बहुत ही एक क्या बोलते हैं इसको, जिम्मेदार नागरिक वाला काम करने जा रहे हैं। मतलब इंडिया में भी किया था, बट यूके में आने के बाद पहली बार करने जा रहे हैं, जो कि क्या है बताओ, वोट देना। तो फाइनली आज हम एक साल, मेरे को तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, 1.5 साल के बाद मैं आज वोट देने के जा रहा हूँ। बेसिकली यूके में जैसे इंडिया से या बाकी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज से जो लोग होते हैं वो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में वोटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यूके में दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, एक जनरल इलेक्शन और एक लोकल इलेक्शन। हम जैसे लोग जो कॉमनवेल्थ कंट्री से हैं इंडिया से, वो लोकल इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस में वोटिंग करने के लिए। तो गाइस, ये जो इलेक्शन है यहाँ की लोकल काउंसिल को इलेक्ट करने के लिए है, और लोकल काउंसिल का काम होता है यहाँ पे बेसिकली बिन कलेक्शन का, जो स्कूल और बाकी सोशल केयर सर्विसेज होती हैं उनको मैनेज करना। तो ये हम उसके लिए वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा है। आज यहाँ पे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वोटिंग चलने वाली है। बेसिकली यहाँ पे अपने पास, जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, बहुत सिंपल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेसिकली आपको तीन तरीके से आप वोटिंग कर सकते हो। पहला, फिजिकली आप जाके, जैसे कि हम दोनों जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप बाय पोस्ट कर सकते हो। तो जब भी आप एनरोल करते हो तो आपको एक पोस्टल कार्ड आ जाते हैं, ये भेज देते हैं। अगर आप चाहो तो बाय पोस्ट भी आप वोट अपना कास्ट कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास बाय प्रॉक्सी। तो इन केस आप नहीं जाना चाहते, आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने किसी बंदे को एज ए प्रॉक्सी भी भेज सकते हो, और वो जाके भी आपके लिए वोट दे सकता है। तो ये हम आइडियली बाय पोस्ट कर सकते थे, बिकॉज कोविड सिचुएशन में ऐसे जाना नहीं चाहिए, बट वी जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस कि यहाँ पे कैसा है वोटिंग सिस्टम, तो इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन चूज करा। देखते हैं वहाँ पे क्या है, कितनी भीड़ है और वोटिंग कैसे होती है यहाँ की। तो गाइस, हम फाइनली पोलिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। मैं मास्क लगा लेता हूं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बट अंदर एंट्री के लिए अपने को मास्क लगाना ज़रूरी है। तो हम जाएंगे, वोटिंग देंगे, वोटिंग करेंगे। चलो देखते हैं, अंदर चलते हैं। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम किसको वोट करने वाले, बट हम वोट करने जा रहे हैं। या ओके, चलो देख। फाइनली मैंने वोट दे दिया। बहुत सिंपल था, तो प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल था। मैं अंदर गया, उसने मेरे से मेरा पहले पूरा एड्रेस पूछा, फिर मेरा नाम कंफर्म किया, और देन उसके बाद उन्होंने मेरे को एक पैम्पलेट दे दिया जहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम थे। मुझे उसके आगे क्रॉस करना था अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम पे, जो मेरे को पता था, वो मैंने क्रॉस करके बैलेट बॉक्स में डाल दिया। देन सक्सेसफुली आई कास्टेड माय वोट। सो गाइज, ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे हमारा एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने देखा, बहुत ही स्मूथ था, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है कि सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक ये ओपन रहते हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग। कोई भीड़ नहीं थी, हम लोग 5 मिनट में बस अंदर गए, हमने वोट दिया और हम आ गए, और कोविड के भी सारे प्रिकॉशंस लिए हुए थे, तो इट वॉज़ वेरी स्मूथ एंड वी जस्ट लव्ड आवर एक्सपीरियंस हियर। हम ऐसी और भी कई वीडियोस बनाते रहेंगे और आपसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे हमारे यूके के एक्सपीरियंसेस, ताकि अगर आप भी कभी यहाँ पे आओ तो आप भी वो सब कर सको, या अपना बेसिक राइट मत भूलो कि आप वोट कर सकते हो, एटलीस्ट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस में। यस, तो यही मोटिव था आज का ये वीडियो बनाने का। वी जस्ट वॉन्टेड टू शेयर आवर स्टोरी विद यू। वी विल क्रिएट मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, और भी ऐसी वीडियोज हम बनाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और कमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।